हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं करिश्मा कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ इंग्लिश टू हिंदी थाउ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। दोज हु डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑफ्टन डू वंडर्स। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही कमाल करते हैं। एवरी ग्रेट सक्सेस टेक्स टाइम, सो नेवर गिव अप ऑन पेशेंस। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। सबसे बेहतर बनना है तो सबसे अलग करना होगा। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, बी द क्रिएटर ऑफ योर ऑन फ्यूचर। अगर कामयाब होना है तो अपने भविष्य के निर्माता खुद बनो। लाइफ इज बिकमिंग अ लेवर एंड पीपल टॉन्ट बाय सेइंग सेठ जी। जिंदगी मजदूर हुई जा रही है और लोग सेठ जी कहकर ताने मारते हैं। आवर एटीट्यूड विल नॉट चेंज बट इन द कमिंग टाइम आवर व्यू विल डेफिनेटली चेंज। नजरिया तो नहीं बदलेगा हमारा, पर आने वाले वक्त में नजारे जरूर बदल देंगे। पीपल गॉट सेपरेट विद टाइम, द एडवांटेज इज दैट वी लर्न टू लीव। वक्त के साथ लोग बिछड़ गए, फायदा यह हुआ कि हम जीना सीख गए। वी हैव लर्न नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ अ स्टॉर्म्स। हमने तूफानों से घबराना नहीं, टकराना सीखा है। पीपल सी वॉट यू हैव, दे डोंट सी वॉट यू हैव। लोग आपके पास क्या है वह देखते हैं, आप क्या हो वह नहीं देखते। ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू हैव टू फाइट द बैड डेज फॉर द बेस्ट डेज। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वी आर द प्लेयर्स हु ऑफ्टन प्ले विथ आवर लक। हम वह खिलाड़ी हैं जो अक्सर अपनी किस्मत के साथ खेला करते हैं। दोज हु आस्क फॉर स्वीट्स ऑन सक्सेस आर नोवेयर सो बी सीन इन ट्रबल्स। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफों में कहीं नजर नहीं आते। Your talent is in vain if you don't have the ability to say wrong is wrong. यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। Don't hold your feet, pull your hand, maybe someone will come up a stairs. पैर नहीं हाथ खींचो, शायद अपना कोई ऊपर आ जाए। Life was given to leave people a sponge only thinking. जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। Time does not stay the same, sir. Even those who make others cry have to cry. वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। This is the period where innocence is called stupid. यह वह दौर है जहाँ मासूमियत को बेवकूफ कहा जाता है। Thanks for watching. Like, share, subscribe. फिर से मिलते हैं एक नए thought के साथ।